कराची को गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी गुंडा अनासिर को 82 करोड़ रुपए रोजाना काला बजट देते हैं। शहर की 550 छोटी बड़ी मार्केटों से भत्ता और पर्ची के नाम पर रोजाना 1 करोड़ रुपए जमा किए जाते हैं। इस ब्लैक बजट पर कौन ऐश करता है नामालूम, और नामालूम होने के बावजूद शहरी जान की अमान के लिए खामोश रहते हैं। गुज़िश्ता चंद साल से बैंक डकैती की तरह की महंगी तरीन वारदातें बन चुकी हैं, जो अमूमन खौफ की वजह से मंजरे आम पर भी नहीं आती। कभी डर के मारे तो कभी मशहूर होने के डर से ताजिरों, सनतकार बरादरी और बाअसर शख्सियात इस मद में रोज कई कई लाख रुपए देने पर मजबूर है, जिनसे मुतालबे भी लाखों करोड़ों में होते हैं। पार्किंग माफिया ने शहर भर में 500 से ज्यादा पार्किंग लॉट बना रखी है, जो सड़कों पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां घेर घार कर बनाती हैं 24 लाख रुपए रोजाना। शहर के बाजारों में 55,000 से ज्यादा ठेले और पथारे लगते हैं, जो मुख्तलिफ बीटर्स को एक 100 से 200 रुपए देते हैं। बनते हैं रोजाना 82,50,000 रुपए, जिसकी जेब में जाते हैं कुछ मालूम नहीं। पानी चोरी, टैंकर से कमाई हो या हाइड्रेंट से चोरी, 272 मिलियन गैलन पानी बेच कर रोजाना 10 करोड़ रुपए किए जाते हैं। कराची में धुएं और मंशियात के छोटे बड़े 15,000 अड्डों से रोजाना 15 करोड़ रुपए फीस जमा होती है। शहर में कब्जा माफिया ने एक साल में 80 अरब रुपए मालियत की तकरीबन 30,000 एकड़ सरकारी इराजी पर कब्जा किया। कब्जे की मद ने महाना 7 अरब और रोजाना तकरीबन 23 करोड़ रुपए रेवेन्यू से चुरा लिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 1,48,00,000 रुपए रोजाना वसूल किए जाते हैं। 25,000 बसें, 4,000 टैक्सी, 20,000 ऑटो रिक्शा और 7,000 टैक्सियां भी योमिया 40 रुपए की गाड़ी पुलिस को गुंडा टैक्स देते हैं। कोचेस और वैगनों से योमिया 200 से 300 रुपए धक्का वसूली होती है। चोरी में रोजाना 1.5 करोड़ रुपयों का झटका लगता है। 4 से 5 लाख गुंडे, फी गुंडा महाना 3,000 से 500 रुपए, महाना 45 करोड़ और योमिया 1.5 करोड़ की बिजली चोरी। लुटेरे रोजाना 30 लाख रुपए गरीब मरीजों से निचोड़ लेते हैं। रोजाना सरकारी अस्पतालों में 20,000 मरीज आते हैं, 5 से 20 रुपए की पर्ची बनवाते हैं, लेकिन उनसे दवाओं और आलात की मद में योमिया 30 लाख रुपए का टीका लगा दिया जाता है। कराची के शहरी रोजाना 40 से 50 मोटरसाइकिलों और 20 से 25 गाड़ियों से महरूम कर दिए जाते हैं। जो गाड़ियां बाजियाब होती हैं, वो भी ढांचे की शक्ल में मिलती हैं। इस मद में शहरी रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए गवा बैठते हैं। बात हो स्ट्रीट क्राइम की, तो शायद ऐसा खुशकिस्मत कराची वाला अब ढूंढना नामुमकिन हो गया है, जो खुद या उसका करीबी अजीब गन पॉइंट पर न लूटा गया हो। रोजाना 125 से 150 मोबाइल फोन, उनके साथ नकद रकम, जेवरात और दीगर कीमती अशिया छीने जाने में शहरियों को रोज 52 लाख से ज्यादा रकम का चूना लगता है। और हाँ, ये वो आदादोशुमार है जो रिपोर्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग यानी जज्बती अगवा, जिसमें शहरियों को अगवा करके गाड़ी में घुमाया फिराया जाता है। नकद रकम, एटीएम और क्रेडिट कार्ड से हाथ साफ करने के बाद फोन करके फौरी तौर पर उसके घर से रकम मंगवाई जाती है। शहर के पोश इलाकों में रोजाना 10 से 15 वारदातें होती हैं, जिनमें 30 लाख से ज्यादा रकम से शहरी हाथ धो बैठते हैं। बात हो जाए शहर में पुलिस के निजाम की, तो 112 थाने और 69 ट्रैफिक सेक्शन, SHO, हेड मॉरल और दीगर अमले और बीट समय की नहीं बल्कि जिला SSP सतह की तैनाती पर 5 से 50 लाख रुपए के टेंडर खुलते हैं। इस खेल में पुलिस अहलकार से आला हुक्काम तक का हिस्सा होता है। महाना अरबों रुपए की इस नीलामी की जमा तफरीक बताती है कि इस वर्ष से रोजाना 21 करोड़ रुपए बनाए जाते हैं।
करते हैं और काले बजट का हिस्सा बनने वाली इस रकम को देने वाले आवाम से सूद समेत अपना सरमाया वसूल करते हैं। कराची की सूरतहाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के ताजिरों से भी मुलाकात की। यहाँ गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में कराची के ताजिरों और सनअतकारों ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सामने अपने ओमान से मुतालिक शिकायात के अंबार लगा दिए। इस मुलाकात के अंदर की कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में बत्ताखोरी, बेअमनी और सिंध हुकूमत की मुसलसल बेहिसी से तंग कराची के ताजिर मुकम्मल तौर पर फट पड़े। कई बरस से तक परेशान सनअतकारों ने सिंध हुकूमत, सियासी जमातों, रेंजर्स और पुलिस को आड़े हाथों लिया। जियो न्यूज को मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक एक ताजिर ने कहा कि गवर्नर और वज़ीर-ए-आला सिंध बेअमनी के खिलाफ किसी हल का हिस्सा नहीं हो सकते। सिंध के ये दो आला तरीन हुकूमती अहदेदार कराची के मसाइल में हिस्सेदार हैं। ताजिरों का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची में अमन कायम करने में संजीदा नहीं।